हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ। प्रश्न दिया हुआ है, 12 बजे चोर घर से भागा 30 किलोमीटर की रफ्तार से, जबकि 2 बजे पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर को कितने बजे पकड़ेगी? तो अपन इसे नॉर्मल विधि से भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक कैसे होगी। ट्रिक होगी मिलने का समय, सूत्र होता है ये, मिलने का समय बराबर क्या होता है, पहली चाल गुणित दूसरी चाल, पहली चाल गुणित दूसरी चाल, पहली चाल गुणित दूसरी चाल बटे बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर अंतर पहली चाल गुणित दूसरी चाल नहीं, यहाँ समय अंतराल होता है। क्या होता है यहाँ? समय अंतराल होता है, समय समय अंतराल होता है, ठीक है, समय का अंतर होता है। और क्या होता है नीचे, दोनों चालों का अंतर, पहली चाल गुणित समय अंतराल बटे दोनों चालों का अंतर मिलने का समय। यदि अपन लिख देंगे तो सूत्र हो जाएगा, तो मिलने का समय क्या होगा, मिलने का समय क्या होगा, पहली चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणित समय अंतराल कितना हो जाएगा, 12 बजे भागा, 2 बजे चालू किया तो मतलब 2 घंटे तो ये हो गए, बटे दोनों चालों का अंतर मतलब ये 40 हो गया माइनस ये 30 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 3 × 2/10। तो ये 0 से ये 0 मतलब 6, 6 क्या ये 6 हो गया घंटे, 6 घंटे में पकड़ लेगा वो, मतलब कितने बजे पकड़ेगा, तो कितने बजे पकड़ेगा, तो 6 घंटे ये लग रहे हैं, और 2 बजे से स्टार्ट किया था, से शुरू किया था तो 8 बजे पकड़ जाएगा, 8 बजे पकड़ जाएगा, 8 बजे पकड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब यदि इसे नॉर्मल विधि से हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर भागा 30 किलोमीटर कितने बजे, 2 बजे पुलिस पीछा करना, मतलब 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल लिया चोर, तो यहाँ लिखते हैं 2 घंटे में चोर चल लिया, चोर आगे निकल गया बराबर, निकल गया बराबर कितना निकल गया, 2 घंटे गुणित कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब कितना हो गया, 60, 60 किलोमीटर मतलब एक्स्ट्रा चल लिया, 60 किलोमीटर दूर है चोर, कितने किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं अपन, अब क्या किया पुलिस ने, अब क्या किया, पुलिस दौड़ रही है उसके पीछे। तो सापेक्ष दूरी क्या होती है, मतलब जब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो सापेक्ष दूरी होती है, घटा देते हैं दोनों चालों को घटा देते हैं तो सापेक्ष चाल हो जाती है। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे अपन, सापेक्ष चाल क्या होगी, तो यहाँ देखिए सापेक्ष चाल में यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो सापेक्ष चाल होगी 40 - 30, कितने किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गई, सापेक्ष चाल हो गई। अब क्या करना है अपन को, बस वो कर देना अपन को कि 60 क्या लगा देते हैं, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय स्पीड इंटू टाइम। तो ये चाल कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है हो गई। समय कितना दिया हुआ है, समय हो गया, समय अपन को ज्ञात करना है। दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी 60 किलोमीटर चल लिया, तो 60 किलोमीटर 0 से 0 कट जाएगा, मतलब ये 6 बराबर 6 घंटे आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 6 घंटे। तो कितने बजे पकड़ेगा, 2 बजे उसने स्टार्ट किया था, 2 बजे उसने शुरू किया था तो 2 + 6 मतलब 8 बजे पकड़ लेगा उसे, 8 बजे पकड़ लेगा, बस इतना सा था, थैंक यू।